2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी हाल ही में लखनऊ में बैठक ली थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो खुद रिपोर्ट देखेंगी और पूरी रिपोर्ट हर एक जिले की उन तक हर हफ्ते पहुंचेगी। मतलब अब साफ है कि मायावती 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्शन के मोड में हैं और वो किसी भी तरीके की गलती 2024 में नहीं करना चाहती। बसपा सुप्रीमो ने चुनावी तैयारियों को तेज करने के लिए सभी को आदेश भी दे दिया है। मायावती ने खास सिपा सलारों को अब हर हफ्ते रिपोर्ट बनाने को कहा है, जिसमें बताना होगा कि किसने कितना काम किया और फिर ये रिपोर्ट बीएसपी चीफ खुद देखेंगी। मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों को सभी कोऑर्डिनेटर की समीक्षा के आदेश भी दिए हैं, जिसके जरिए उनको मिले कामों की गति और स्थानीय रिपोर्ट की जानकारी ली जा सकेगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से मायावती एक्शन मोड में हैं और वो 2024 में मोदी, योगी और शाह के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि 2019 में हुए आम चुनाव में बसपा का बहुत बुरा हाल रहा था। बीजेपी ने शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी बहुत ही खराब प्रदर्शन करती रही, जिसके बाद मायावती अब लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं और वो 2024 के बाद 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव पर नजरें रखे हुए हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की रणनीति कितना कामयाब होती है और बीजेपी के सामने वो कितना सफल होती हैं। फिलहाल मायावती ने जिस तरीके से अपने पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर सबको आदेश दिया है और कहा है कि 2024 की तैयारियों में अभी से ही जुट जाइए और हर हफ्ते रिपोर्ट सौंपिए, जिस पर जांच होगी और देखा जाएगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता और नेता काम कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।